दोस्तों दुनिया भर में कई आर्टिस्ट अपने बेहतरीन आर्ट को दिखाने के लिए ऐसे स्टैचू बनाकर खड़ा कर देते हैं जिन्हें देखकर भी यकीन करना मुश्किल हो जाता है किसी इंसान ने बनाया होगा। आज हम आपको दुनिया भर के कुछ ऐसे बेहतरीन स्टैचू दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नंबर एक पर है लंदन बूस्टर। आपने इंसानों को तो कई बार पुशअप करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी बस को पुशअप करते हुए देखा है? नहीं ना, तो चलिए मैं दिखाता हूँ। असल में ये लंदन में बनाया गया एक आर्ट है जिसे वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट डेविड सैरनी ने डिजाइन किया है। इसे साल 2012 में हो रहे ओलंपिक के वेलकम के लिए बनाया गया था, लेकिन अब ये लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन चुका है। इस बस के दो हाथ भी लगाए गए हैं जो पावरफुल हाइड्रोलिक की मदद से ऊपर नीचे होते ही रहता है। दूसरे नंबर पर है जायंट बेबी। इस 7 महीने के बच्चे के विशाल स्टैचू को सिंगापुर के एक गार्डन में बनाया गया है। ये एक बहुत ही अद्भुत स्टैचू है। इस बच्चे को देखने पर ऐसा लगता है जैसे इसका कोई वजन ही नहीं होगा और ये हवा में एक हाथ पर लटक रहा होगा। इस शानदार स्टैचू को स्टील और ब्रोजो से मिलाकर बनाया गया है। इसके वजन की बात करें तो ये 7 टन का है। इसके बावजूद भी आज के मॉडर्न इंजीनियरिंग ने इस नामुमकिन से दिखने वाली चीज को मुमकिन करके दिखाया है। दोस्तों इस अनोखे स्टैचू के लिए एक लाइक तो बनता है, तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दें। तीसरे नंबर पर है एंटोनी हाओ। दोस्तों एंटोनी एक बहुत ही यूनिक और इनक्रेडिबल आर्टिस्ट है। ये एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो मेटल और पॉलीमर जैसी चीजों का यूज करके इस तरह का अमेजिंग मोबाइल आर्ट बना देते हैं। इनके ये आर्ट वर्क 25 फीट लंबे होते हैं और इनका ये डिजाइन किसी का भी मन मोह लेता है। इनकी खासियत ये है कि हवा की वजह से ये मूव करते हुए अलग अलग डिजाइन बनाते हैं। ये आर्ट पूरी दुनिया में बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। चौथे नंबर पर है मेल्टिंग वुमेन फेस। टकाना नाम का ये आर्टिस्ट दुनिया भर में अपने द्वारा बनाए गए आर्ट की वजह से फेमस है। ये अक्सर इंसानों पर ही स्टैचू बनाता है, वो भी बिल्कुल रियल लाइफ कॉन्सेप्ट वाले स्टैचू जिन्हें देखकर आप भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। टकाना नाम का ये आर्टिस्ट अपने आर्ट को हमेशा तालाब या फिर खाइयों जैसी जगहों पर बनाते हैं। इस वीडियो में आप जिस फोटो को देख रहे हैं वो इनकी अब तक की सबसे बेहतरीन आर्ट है। इनमें ऐसा लगता है जैसे कि तालाब इस लड़की के गीले बालों से भर गया होगा। दोस्तों इस दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू कौन सी है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। पांचवें नंबर पर है द फ्लोटिंग टैप। स्पेन में बना ये फ्लोटिंग टैप दुनिया के कुछ अविश्वसनीय चीजों में से एक है। पहली बार में हर कोई इसे देखकर चौंक जाता है और विश्वास नहीं कर पाता। इसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि नल हवा में तैर रहा होगा, लेकिन आपको बता दूं कि इस नल को बनाने के लिए एक ट्रांसपेरेंट पाइप का इस्तेमाल किया गया है और ये नल इसी ट्रांसपेरेंट पाइप के भरोसे खड़ी हुई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखना, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।